सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी जो गणना करते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं वो सुदर्शन चक्र ज्योतिष के माध्यम से करते हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक इस ज्योतिष विधा के बारे में जानना चाहते हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा क्या है और संत बेतरा जी इससे कैसे भविष्यवाणी करते हैं आप संत बेतरा जी से कैसे संपर्क कर सकते हैं क्या है उनकी वेबसाइट क्या है उनका फ़ोन नंबर और उनसे अपना व्यक्तिगत भविष्य की गणना कराने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा पर हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं जैसा कि इस सेट में दिखाई दे रहा है कि भगवान विष्णु के आपको दर्शन हो रहे हैं और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा है तो सनमित्रा अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन में जैसा कि दर्शकों की बहुत भारी मांग थी कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के बारे में बताया जाए तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा है क्या और आप इस विधा के संपर्क में कैसे आए नमस्कार सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान विश्व की गुप्त गूढ़ विद्याओं में आता है गुप्त गूढ़ विद्याओं में आपको जो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 19 पृष्ठों से ज़्यादा का लिटरेचर नहीं है इवन नासा ने भी सुदर्शन चक्र ज्योतिष पे स्टडी की है और उनके पास भी 10 पेज से ऊपर का इस पर लिटरेचर नहीं है उन्नीस पेज का जो लिटरेचर है वो प्राशा ने दिया है उसमें भी सिर्फ सुदर्शन चक्र ज्योतिष में जो सुदर्शन चक्र बनाया जाता है तीन केंद्रों से तीन केंद्रों से सुदर्शन चक्र खींचा जाता है एक लगन कुंडली से दूसरा सूर्य से और तीसरा चंद्रमा से तो तीनों को एक ही केंद्र से खींचा जाता है तो जो चक्र बनता है उसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र का जो विस्तार है उसमें चौदह ऑर्बिट हैं मतलब सुदर्शन चक्र ज्योतिष में नव ग्रहों को एक खानों में स्टडी किया जाता है उसमें छोटी मोटी अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक भी होती है टाइम की तो अपने आप फिल्टर हो बाहर आ जाती है जी संबेद्रा जी ऐसा कहा जाता है और आप भी आ, हमें ऐसा बता चुके हैं कि इसके माध्यम से निकटतम भविष्य की भी गणना की जा सकती है यानी अगर आ, किसी को ये पता करना हो कि अगले ढाई घंटे में क्या हो रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष से जो गणना है वो हम अगले ढाई घंटे तक की भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं इतना सूक्ष्म इसका जो ज्ञान है तो बस ये है कि आपका डेटा सटीक होना चाहिए तो विश्व की दुर्लभ चीजों में सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान है क्योंकि इसके ऊपर जो है कहीं पे भी आपको लिटरेचर उपलब्ध नहीं होगा संतमित्रा अशोक जी बता रहे हैं कि इसमें एक खानों के माध्यम से जो है वो भविष्य की गणना की जाती है संतमित्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक खाने क्या हैं और इसका क्या रहस्य है नहीं ये चीज़ तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टॉप सीक्रेट जो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष का जो गणना का जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से फैमिली ट्री में हमारे पास है तो इसको अभी हमने वो नहीं किया और जो हमें आदेश है ऊपर से आगे ही हमको इसको अपने ही उसमें जो है देना है संभित्रा जी जब आप निकटतम भविष्य की गणना करते हैं यानी कि ढाई घंटे या अगले पांच घंटे में क्या होने वाला है तो इस जो गणना करते हैं उसमें आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं देखो मैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र की जितनी विधाएं हैं जितनी भी विधाएँ वो सब यूज होती हैं इसमें इसमें आपका पाश्चात्य ज्योतिष जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये जो सूर्य से गणना की जाती है जिसमें आपके हमारे सन साइन से आपके विजन दारू वाला गणना करते हैं इसमें आपका जो है इसे क्या बोलते हैं भारतीय ज्योतिष जो है उसका आपका लाल किताब भृगुसहिता न्यूमरोलॉजी, आपका कबाला अरबी कबाला शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान फेस रीडिंग सब चीजों का समावेश है तो ये ज्ञान इसका ज्ञान अपने आप में और है बिल्कुल फिल्टर होके जो है रेडियम निकलता है बीच में से आप बता रहे हैं कि जैसा कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष का संबंध भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से है तो ये क्या कथा है पूरी इस बारे में हमें विस्तार से बताइए देखिए जो सुदर्शन चक्र ज्योतिष जो है ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही निकला है सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु के जिसको भगवान विष्णु धारण करते हैं और उनके एक अंगरक्षक का काम करते हैं तो इसकी जो स्टोरी है वो सतयुग की है नहीं त्रेतायुग की है त्रेता युग में भगवान राम ने एक यज्ञ किया था उसमें वो चाह रहे थे कि किसको हम सबसे बड़ा आसन दें तो उसके लिए उन्होंने भृगु भृगु ऋषि जी को मनोनीत किया था तो वो तीनों लोक में जाके उन्होंने जो देखा तो शिवलोक में भी उनको वो सम्मान जैसा चाहते थे एज ए ऋषि नहीं मिला वहाँ भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे और जब वो उसे क्या बोलते हैं विष्णु लोक में गए तो वहाँ पे भी भगवान विष्णु जो हैं वो अपने सागर में अपने लक्ष्मी जी के साथ ध्यान मग्न थे तो उनको थोड़ा क्रोध आया और जैसे ब्राह्मण जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर चोट की तो जिसको उनके अंगरक्षक और स्वयं लक्ष्मी जी ने बहुत बुरा माना और उन्होंने उनको श्राप भी दिया कि मैं अब ब्राह्मणों के पास नहीं रहूंगी। ज़्यादातर आप देखेंगे तो ब्राह्मण जो हैं आपको ज़्यादा लक्ष्मीवान नहीं होते और सुदर्शन चक्र महाराज ने उनकी जो सारी ताकतें थी वो जब आगे बढ़े तो भगवान विष्णु ने रोक दिया नहीं है, हमारे द्वार पे आए हैं ब्राह्मण हैं कुमारना नहीं है लेकिन उनकी उन्होंने सारी जो शक्तियाँ थी भृगु जी की वो सब ले ली और उसको जब दोबारा जब भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया तो उन्होंने फिर वो सुदर्शन चक्र ज्योतिष के रूप में दोबारा जो है सामने आई मान लीजिए कि हमारा जो कोई ग्रह है वो तो शुभ स्थिति में है लेकिन परिवार के जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके ग्रह अशुभ हैं तो क्या हमारे परिवार के लोगों के जो अशुभ ग्रह हैं उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है जबकि हमारे सारे ग्रह शुभ स्थिति में बिल्कुल उसका असर पड़ता है देखिए ये कर्मभूमि है यहाँ पर हम जो परिवार रूप में जो इकट्ठे होते हैं वो हमारे जो पूर्वजों के शुभ शुभ फल हैं उनका मिश्रित फल भोग के लिए हम एक परिवार में एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं किसी को दुख होता है किसी को सुख होता है किसी को आमदन होती है कोई बेरोज़गार है किसी को कोई परेशानी है लेकिन उस सबको वो परिवार जो है एक ही उसमें जीता है उसको भोगता है लेकिन अचानक अगर आपके ग्रह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो आपका वहाँ से कहीं ऐसी जगह सिलेक्शन हो जाता है जहाँ आप अकेले अकेले जाके रहते हैं और आपको वो जो भौतिक सुख मिलने हैं जो परिवार में नहीं मिलने थे अलग से जाके वहाँ मिलते हैं तो ग्रहों का खेल है जो मिश्रित फल भोगना है तो आप परिवार में रहते हैं अगर बहुत अच्छे ग्रह हैं तो आप वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं ग्रहों के अनुसार इसी तरीके से अगर आपके घर में क्षणिक कुछ समय के लिए जैसे देखो हमारी संस्कृति में बोला जाता है मेहमान जो है भगवान का रूप होता है उसको पूरा सम्मान देना चाहिए तो उसमें क्या है अगर कोई क्षणिक आता है क्षणिक समय के लिए अगर कोई आता है तो वो भी आपके ग्रहों को जो है चेंज कर सकता है जैसे आपके परिवार में आपके घर में कोई महान अस्थि आती है दस मिनट के लिए ही आती है आपके साथ उठ बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं तो उससे भी आपके घर की टोटल एनर्जी चेंज हो जाती है उनके स्टार्स के हिसाब से कल आप पूरे के आप पूरे देश में वो हो जाते हैं मशहूर है। हो जाते हैं तो देखा दर्शकों जैसा कि संत बेतरा अशोक जी बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर सारे ग्रह शुभ हैं भी तो आपके परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनके ग्रहों का भी आप पर आ, बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसी से संत बेतरा जी आ, हमारे दर्शकों को निकालने का प्रयास करेंगे तो सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा पर आप हमारा ये विशेष देख रहे हैं और इस विधा के बारे में आप विस्तार से जानकारी उनके आ, उनकी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं इसके अलावा संत बेतरा अशोक जी का फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है आप फ़ोन के माध्यम से भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें आपको संत जी बताएंगे कि आपको किस तरह से उनसे मिलना है क्या उनकी फीस है और इस तरह से आप किस तरह से अगर आप दूर रहते हैं कहीं पे तो आप किस तरह से उनसे संपर्क करेंगे ये सारी जानकारी संत अशोक जी आपको देंगे उनका फ़ोन नंबर चल रहा है उनकी वेबसाइट का जो डिटेल है वो भी हमने दे दिया है तो अब हमें लगता है कि हमारे दर्शकों का एक जो एक उत्सुकता थी सुदर्शन चक्र ज्योतिष के बारे में जानने की वो सारी जानकारी आज हम दे रहे हैं और इसमें सुदर्शन चक्र ज्योतिष के बारे में भी बता रहे हैं और आप किस तरह से सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बित्रा अशोक जी से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है देखिए सुदर्शन चक्र में जो परिवार की कर्म कुंडली बनती है इसमें पूरे परिवार के डेटा आते हैं और स्टडी इंडिविजुअल होती है टोटल हम परिवार का डेटा डाल के लेकिन इंडिविजुअली उसको स्टडी करते हैं कई बार उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपके परिवार में किसी व्यक्ति के ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसके कारण सारे समस्या में हैं और उसको हम जब थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो आपके घर की जो है टोटल जो है चेंज हो जाता है आपका जो उसे समय चेंज हो जाता है आपको आमदन आना शुरू हो जाती है आपको सुख महसूस होने लगते हैं तो उस चीज़ को उसमें स्टडी किया जाता है एक तो तरीका है या तो आपका जिसके ग्रह खराब आप उसको अलग कर देते हैं नॉर्मली कई बार होते हैं परिवार में जो बहुत ज़्यादा तंग करता है उसको अलग कर देते हैं वो भी अपने रोटी खाने लगता है और बाकी के लोग भी थोड़े आनंदित हो जाते हैं दूसरा तरीका यह है कि उसके ग्रहों का जो कुप्रभाव पड़ रहा है उसका उपाय बता दिया जाता है तो उससे क्या होता है आपको कहाँ करेक्ट करना है कई बार आपके तो ग्रह बहुत बढ़िया है आपका तो राजयोग चल रहा है आपको तो पैसा आना चाहिए था लेकिन पैसा आपका आता है लेकिन आपके परिवार में जो यूज़ हो रहा है आपके पास कुछ नहीं आ रहा है आप उसका लुत्फ वो नहीं उठा पा रहे हैं और कोई और उसका आनंद ले रहा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है तो उस चीज़ के लिए जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्टडी होती है कि आप इस इनका ये उपाय कर दें तो आपको आगे जो है पूरे परिवार को सुख समृद्धि मिलेगी तो इसमें कर्म कुंडली में पूरे परिवार का डेटा होता आप जब अपना इंडिविजुअल चेक करवाते हैं तो उसके लिए आपका दोनों हाथों की पिक चाहिए होती है फेस की पिक चाहिए होती है और उसके बाद आपका डिटेल डेट ऑफ बर्थ बर्थ प्लेस बर्थ टाइम अगर आप न्यूक्लियर फैम न्यूक्लियर फैमिली में है तो आपको आपके पत्नी और आपके बच्चों का पूरा डिटेल उसमें डलता है लेकिन स्टडी स्पेसिफिक आपकी ही की जाएगी <coughs> आपके हर प्रश्न का जो है उसमें इंडिविजुअली जो है आ, समाधान किया जाता है एस्ट्रोलॉजी का तो संबित्रा जी ये बताइए कि आप जो है अगर कोई इंटरव्यू देने जाना चाहता है या किसी को बिज़नेस का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इस बारे में आप कैसे बता देते हैं और ये क्या गढ़ना है और इसके बारे में थोड़ा बताइए बिल्कुल उसमें समय बताया जाता है उनको कई बार तो इंटरव्यू में बैठे हुए लोगों के इनिशियल बता दिए जाते हैं ताकि यार बंदे में अगर कॉन्फिडेंस की कहीं कमी है और जब वो देखता अंदर वही लोग बैठे हैं जिनके लिए गुरुजी ने बोला है और उसका जो है मोरल हाई होता है और उसकी एनर्जी लेवल हाई होता है और अगर उसको आशीर्वाद दिया है कि आप सक्सेसफुल होंगे तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता तो उसको रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो दर्शकों आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी की वेबसाइट का एड्रेस इसमें नीचे चल रहा है फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हैं उनका नंबर फ्लैश हो रहा है हमारा अखंड मंथन का भी नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसको भी नोट कर सकते हैं और अब मुझे लगता है कि जो दर्शक सिर्फ हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि उन्हें संत बेतरा अशोक जी से संपर्क करना था तो हमारे ख्याल से अब उन्हें अगर वो इस वजह से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं तो हमें लगता है अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी से ही सिर्फ संपर्क करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम अब आपके लिए है और इसके लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप जो हमने जो शुरू किया है उसका उद्देश्य है आपको सनातन धर्म के उद्देश्य को समझाना उसके लक्ष्य को समझाना सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा जरूर है हमारे चैनल का एक हिस्सा ज़रूर है लेकिन ये पूरे चैनल का स्वरूप नहीं है तो अब आप ये जान चुके होंगे कि हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसका उद्देश्य है सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में जो कि वैसे सनातन धर्म कहा जाता है लेकिन उसकी जो आम परिभाषा उसको हिंदुत्व के नाम से देते हैं तो दर्शकों अब आपको जाति के जो भेद हैं यानी कोई ब्राह्मण है कोई ठाकुर है कोई क्षत्रिय कोई वैश्य ये भेद भुला करके अब आपको एक छत के नीचे अखंड मंथन चैनल के तले आपको एकत्र होना है इकट्ठा होना है क्योंकि अगर आप अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और फिर वही होगा जो वर्षों से होता चला आ रहा है आप कभी मुगलों के ग़ुलाम हो जाएंगे कभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे और मुगलों के हो जाएंगे और इस बात की संभावना बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है तो अब जातिगत भेदभाव भुला करके एक झंडे के नीचे खड़े हो जाइए भगवा ध्वज के तले खड़े हो जाइए क्योंकि ये आवश्यक है अब आप आपको अपनी एकजुटता दिखाने का और अगर आप अभी एकजुट नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी और गुलाम बनने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए जिस तरह इस समय देश की परिस्थितियां बता रही हैं जिस तरह से कुछ जो अल्पसंख्यक वर्ग है जहां पर उनकी तादाद अधिक हो जाती है वो किस तरह से अत्याचार शुरू कर देते हैं आप खबरों में देख ही रहे होंगे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आप देख रहे होंगे तो ये समय है चेतावनी का अलार्मिंग सिचुएशन है ये इस समय जाग जाइए और अपने अधिकारों के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होइए तभी जो है आपका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है तो दर्शकों आज देख रहे हैं आप सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा पर हमारा विशेष कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा है क्या सं अशोक जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपके पास गणना कराने के लिए या भविष्य जानने के लिए जब दर्शक आते हैं तो उनमें तादाद जो होती है यु, आ, अगर आयु वर्ग को देखा जाए तो उसमें युवा अधिक हैं बुज़ुर्ग अधिक हैं या जो मध्य आयु के हैं यानी कि अधेड़ उम्र के हैं इनमें से किन की तादाद बहुत ज़्यादा है आपके पास संपर्क करने वालों की सुदर्शन चक्र में आपके पांच मेन जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस किया जाता है आपका करियर बिजनेस फैमिली वेल्थ एंड हेल्थ इनमें से किसी से भी रिलेटेड आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाता है मोस्टली जो आपके 18 से 20 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं तो उनको करियर से रिलेटेड किस फील्ड में जाना है क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए आगे फ्यूचर क्या है तो वो लोग बहुत कंसल्ट करते हैं मेरे से बिज़नेस कई लोगों का बिज़नेस जो है बिज़नेस में अप डाउन तो चलते ही है समय के अनुसार तो अगर वो कहीं नीचे जा रहा होता है बिज़नेस तो दे फैमिली में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फैमिली में है अंडरस्टैंडिंग में है आजकल की जनरेशन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो वो डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं डिप्रेसिव मोड में जाने के बाद उनकी पोजीशन ये रहती है फैमिली ग्रोथ में उनको प्रॉब्लम आती है तो फैमिली से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आते हैं अगर देखा जाए तो उसके बाद वेल्थ से रिलेटेड आपका फैमिली का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए मिलेगी नहीं मिलेगी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हेल्थ से रिलेटेड तो ही है ही हैं शरीर से तो रिलेटेड तो सबके साथ लगा हुआ है तो इस तरीके के इंडिविजुअल्स के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं अलग अलग प्राइटीज़ होती हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन आपको दिया जाता है जब आप उसका समाधान आपको मिलता है तो वो करना आप नहीं है आपको ही जो समाधान दिया जाता है आपके द्वारा ही उसका समाधान होना है और जब उसको समाधान आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है क्या ऑफिस में रहने वाले लोग और हमारे साथ काम करने वाले लोगों के खराब ग्रहों का असर भी हम पर पड़ता है ये इस बारे में बताइए देखिए मैंने जैसे बताया कि आपके घर में कोई अगर एक घंटे आधे घंटे के लिए भी आता तो भी वो आपके घर की एनर्जी को चेंज करके चला जाता है आज हम हम यहाँ बैठे हुए हैं अचानक अगर कोई बहुत ही सुपरस्टार आके हमारे साथ बात करते हैं बैठते हैं तो वो वायरल हो गए इंडिया में तो वायरल होने के साथ क्या वो उनको तो सब जानते हैं लेकिन हमारे साथ बैठे हैं तो हमारा भी तो नाम हो गया तो आधे घंटे के कारण ही हमारा पूरे संसार में नाम हो गया तो वो आधे घंटे में ही उनके स्टार्स ने होने के जो स्टार्स हैं उनके टच ने आपकी लाइफ भी चेंज कर दी इसी तरीके से जब आपके घर में कन्या का आगमन होता है नवविवाहित का तो उसके पाँव कैसे हैं उसी के लिए तो गन्ना करवाते हैं उसी के लिए आप उनकी कुंडली मिलवाते हैं कि आने के बाद घर में आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी सौभाग्य में वृद्धि होगी या कमी होगी कई बार ऐसा होता है नहीं मिलाए होते आपने गुण वगैरह तो आने के बाद परिवार की कंडीशन चेंज हो जाती है और कुछ इतनी सौभाग्यशाली होती हैं बिल्कुल लक्ष्मी रूप होती हैं आपका कदम पड़ा घर में और धन वर्षा शुरू हो जाती है चारों तरफ चहल पहल खुशियाँ एक आम धारणा है जब विवाह होता है लड़के का विवाह होता है तो जो बहू आती है उसको कहा जाता है अगर कुछ अच्छा हो गया विवाह के तुरंत बाद तो कहा जाता है कि बहू के पैर बहुत अच्छे हैं तो क्या इसी तरह से जब विवाह होता है और दामाद यानी बेटी का विवाह होता है और दामाद का प्रवेश होता है आपके परिवार में तो क्या दामाद के जो कदम होते हैं उसका भी असर पड़ता है ससुराल पक्ष पर बिल्कुल पड़ता है पड़ता है क्योंकि वो एक कुटुंब को आप अपने बीच में जोड़ते हैं तो उससे राहु से हम चेक करते हैं कि इसका जो ससुराल पक्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ग्रहों की जो स्थिति होती है जिस दिन उसकी मैरिज होती है या जिस दिन वो पहली बार जाता है अगर उसको हम स्टडी करते हैं तो आपको कंप्लीट बता देंगे कि इस बच्चे का आपके परिवार में कदम कैसा है जी संत बित्रा जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा पर संत बित्रा अशोक जी सुदर्शन चक्र ज्योतिष के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे भारतीय समाज में ये भी देखा गया है कि मनचाही संतान पाने के लिए भी लोग तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह के ज्योतिष गणनाओं का सहारा लेते हैं संत बित्रा अशोक जी आप ये बताइए कि आप क्या संतान मनचाही संतान पाने के लिए भी कोई गणना करते हैं और आप बताते हैं कि आप मनचाही संतान इस तरह से पा सकते हैं हाँ इसकी भी गणना की जाती है लेकिन क्योंकि आजकल जो है पुत्र पुत्री दोनों बराबर हैं और जिन लोगों को बहुत ज़रूरी अगर है इस चीज़ की गणना तो हम करते हैं वैसे अवॉइड करते हैं इस चीज़ की क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं तो इसलिए हम ऐसा पाप अपने सिर पे नहीं लेना चाहते तो दर्शकों जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम कर रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष पर विशेष और संत बित्रा अशोक जी आपको जानकारी दे रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के माध्यम से अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब हम सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बित्रा अशोक जी से जानना चाहेंगे कि अब तक उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की हैं उसको किस क्रम में रखना चाहेंगे वैसे भविष्यवाणी मैंने सब पहली बार जो 2004 में की थी कांग्रेस के लिए उसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि आपका एस नाम का व्यक्ति एम नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट करेगा बिल्कुल वैसा ही हुआ चार के बाद नौ में कांग्रेस को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन उसकी मैंने भविष्यवाणी की थी कि आपकी सरकार बनने वाली है फिर सबसे बढ़िया भविष्यवाणी जो थी जिसमें अक्षरता जो नंबर बताए थे वो बिल्कुल सिद्ध हुए वो थे 2014 में जिसमें आपके राजनीति के जो गणनाकार हैं जो प्रडिक्ट करते हैं विशेषज्ञ जो हैं उनके उसमें जो है उसे क्या बोलते हैं जॉइंट उसका था कि मिलीजुली सरकार बनेगी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो उसमें मैंने बताया था कि बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है और 279 प्लस सीट हैं और उधर मैंने जो एनडीए को जो सीट दी थी 336 थर्टी सिक्स एग्जैक्टली थ्री था नंबर मीट हुआ था तो मैं अपनी सबसे बड़ी भविष्यवाणी उसी को मानता हूँ यू यूपी वाली भविष्यवाणी भी अगर आप देखते हैं तो 239 प्लस की जो मैंने भविष्यवाणी की थी और जो मुद्दा मैंने बोला था उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और उसी 239 प्लस सीट्स आई हैं सेम आपकी उत, उत्तरांचल में मैंने 45 प्लस की भविष्यवाणी की थी उसमें भी बिल्कुल वैसी हुई है पंजाब की भविष्यवाणी को लोग देखते हैं कि भैया कहीं नेगेटिव में लेते हैं लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपनी सबसे बड़ी भविष्यवाणी पंजाब की मानता हूं क्योंकि वहां पे जो है मीडिया ने तीन महीने पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि आप पार्टी जो है वो 90 से 110 के बीच में सीट लेके आएगी ये क्लेम कर रही थी मीडिया मीडिया के जो जितने भी आपके गणनाकार हैं वो ये कह रहे थे कि आपकी इतनी सीट्स आएंगी पर मैंने बोला था मैक्सिमम 10 से 20 के बीच में आप सिमट जाएगी तो आप 10-20 में ही सिमटी बीजेपी के लिए मैंने उनको इंडिविजुअल लड़ने की सलाह दी थी वो नहीं लड़ पाए अगर लड़ते तो शायद सरकार इस टाइम

तो हमारे बहुत सारे दर्शक एक ऐसी ही भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहते हैं जो पाकिस्तान के बारे में हमने की थी पाकिस्तान का द एंड पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट थ्री भी हम ला रहे हैं लेकिन उसमें हमने एक समय सीमा दी थी उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि वो समय सीमा अब पार हो गई है तो आ, इस बारे में आप सनबित्रा जी क्या कहना चाहेंगे देखिए उसमें वो जो सी पाकिस्तान की दी एंड वाली भविष्यवाणी थी मैंने उसको आठ दिन से आठ महीने ही बोला था जो अगस्त तक है अगस्त 2017 तक का समय है और आपने ये देखा होगा कि आठ दिन के बाद ही रिजल्ट उसके शुरू हो गए थे जो डिस्टरबेंस शुरू हो गई थी वो आठ दिन के बाद ही शुरू हो गई थी <coughs> उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने उरी पे किया उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वातावरण वैसे ही बन गया था कि कहीं जो है युद्ध की तैयारियां हैं इवन देन अभी भी जो है जिस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट करता है पड़ोसी होने के नाते कभी भी उसको इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जी तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो हमने भविष्यवाणी की है उसके बारे में संत बित्रा अशोक जी का क्या कहना है लेकिन संत बित्रा जी उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है जब आप भविष्यवाणियां करते हैं तो ये बताइए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर किस तरह से नियंत्रण करेगा और किस तरह से उसको काबू में करके जो वो भारत के ख़िलाफ़ करता है उससे उसको रोक पाएगा देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो संबंध हैं ये संकेत करते हैं अगर इन्होंने अपनी नीति नहीं बदली जिस तरीके से वो चल रहे हैं तो आगे जाके ये विश्व विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं कहीं पे भी तो दर्शकों देखा आपने कि आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इसके लिए हमारे साथ थे देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के माध्यम से सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी करते हैं भविष्यवाणियाँ अब आपको हमें लगता है कि सारी जानकारी मिल गई होगी हम अपने इस कार्यक्रम में संत बेतरा अशोक जी से जुड़ी सारी जानकारियाँ दे चुके हैं उनकी वेबसाइट का एड्रेस चल रहा है उनका फ़ोन नंबर भी चल रहा है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं लेकिन हमारा अनुरोध है कि अगर आप सिर्फ़ सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी की भविष्यवाणी के लिए या उनसे अपनी गणना के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़ें व्हाट्सएप नंबर पे ना जुड़ें क्योंकि इससे हमारा कार्य जो है कार्यभार बढ़ जाता है अब आपको संत बेतरा अशोक जी का सीधे नंबर दे दिया गया है उनकी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया गया है आप इसके माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि अखंड मंथन जो चैनल हमने शुरू किया है उसका उद्देश्य जो है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और सारी जो हिंदू हिंदू जो आ, जो कम्युनिटी है उसको भगवा ध्वज के तले एकत्र करना है उनमें एकता लाना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय देश में विघटनकारी शक्तियां किस तरह से अपना प्रभाव दिखा रही हैं किस तरह से वामपंथी शक्तियां जो वामपंथी विचारधारा है वो मानवता के विरोध में हो गई है और जिस तरह से अभी एक हम अभी उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन जिस तरह से उन्होंने गोवध किया है गाय की हत्या की है और सरे आम उसका एक तमाशा बनाया है आप देख सकते हैं हम इस पर विशेष रूप से कुछ कहना कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं देना चाहेंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा क्या है और इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि जो तलवार जो धार आज एक निरीह पशु के गर्दन पर पड़ी है अगर आप एकजुट नहीं हुए तो वही तलवार कल को आप पर भी पड़ सकती है तो जाग जाइए और सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी आपको जागरूक कर रहे हैं अपनी इस ज्योतिष विधा के माध्यम से लेकिन अगर आप सिर्फ ज्योतिष विधा के माध्यम से ही हमसे जुड़ रहे हैं तो आ, ऐसा ना करें क्योंकि अखंड मंथन चैनल में आपको बताने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम धीरे धीरे अपने दूसरे चैनलों के माध्यम से भी आपको बताएंगे तो दर्शकों आप बने रहें हमारे साथ देखते रहें हमारा अखंड मंथन चैनल और शीघ्र ही हम अपने छह नए चैनल लेकर के आ रहे हैं जिसका प्रोमो समय समय पर हम आपको दिखाते रह रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहें और हाँ हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो आप तक सीधे पहुँचते हैं तो हमारा कार्यक्रम देखने के लिए और अखंड मंथन चैनल देखने के लिए आपका विशेष रूप से आभार नमस्कार